हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक वेपन को दिखाया जाता है और इस वेपन को देखकर एक आदमी बोलता है, भाई जानतियान की जय पर हत्या कर दी गई है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इसी वेपन को पकड़े हुए होता है और वो अपने लीडर को इस जगह पर बोल रहा होता है, वॉर से पहले ही भाई जानतियान को मार दिया गया है। लेकिन मरने से पहले भाई जानतियान ने हम लोगों को एक आदमी का नाम बताया था। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर एलेक्स और रूबी को दिखाया जाता है और एलेक्स ने फाइनली इस जगह पर रूबी को उसके क्लैन में पहुंचा दिया होता है। इसलिए एलेक्स यहाँ पर रूबी को बोलता है, मैंने तुमसे यहाँ पर जो वादा किया था मैंने उस चीज को इस जगह पर पूरा कर दिया है, इसलिए मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। और वो जब बोलकर यहाँ पर रूबी को अलविदा बोल देता है, लेकिन तभी रूबी यहाँ पर एलेक्स को बोलती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे क्लैन के अंदर में नहीं जाओगे। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स बोलता है, हम लोगों ने यहाँ पर हजारों किलोमीटर का सफर एक साथ तय किया है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा से मिलेंगे, इसलिए तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी रूबी बोलती है, तुमने यहाँ पर वॉर किंग को मार डाला है जिसकी वजह से उसके साथी लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा करेंगे, क्या तुम्हें इस चीज से डर नहीं लगता है। इस पर एलेक्स बोलता है, मुझे यहाँ पर किसी से भी डर नहीं लगता है। और वो जब बोलकर यहाँ पर इस जगह से चला जाता है, लेकिन वह जाने से पहले यहाँ पर रूबी को बोलकर जाता है कि मैं यहाँ पर फ्यूचर में तुमसे जरूर मिलूंगा। और इस जगह पर एलेक्स को जाते हुए रूबी देख रही होती है। यहाँ पर यह लड़का सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इतने कम उम्र में इतने ज्यादा पावर को अचीव कर लेना कोई इस जगह पर मामूली बात नहीं है। और इस लड़के ने मेरी जान रास्ते में कितनी बार बचाई है और इस चीज के लिए मैं यहाँ पर इसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि अभी वह इस जगह पर नहीं है और मुझे लगता है हम लोग फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलेंगे। और वह जब इस जगह पर अपने रूप को बदल लेती है और वो यह बोलने के बाद अपने कैसल की ओर जाने लगती है। और इसे जाते हुए दूर से यहाँ पर एलेक्स भी देख रहा होता है और वो बोलता है, सेलेस्टियल क्लैन में इस जगह पर बहुत सारे मास्टर लोग हैं जो कि इस जगह पर सेलेस्टियल क्लैन को कंट्रोल करते हैं और मैं इसीलिए यहाँ पर रूबी के साथ में सेलेस्टियल क्लैन में नहीं गया, क्योंकि इसकी वजह से मेरे बारे में इस जगह पर अपर रैलम में सबको पता चल जाएगा और मैं इस चीज को इस जगह पर होने नहीं दे सकता था, इसीलिए मैं इस जगह पर रूबी के साथ नहीं गया था। और वो जब बोलकर इस जगह से जाने लगता है। लेकिन तभी एलेक्स को रास्ते में यहाँ पर बहुत सारी जंजीरें जकड़ लेती है और एलेक्स यहाँ पर इन चीजों के कैद में आ जाता है। और एलेक्स को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को यहाँ पर एक ओल्ड लेडी और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बोलता है, जैसा कि तुमने बोला इस जगह पर एक आदमी तुम्हें लेकर आता है और तुम्हें इस जगह से छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो हम लोगों के क्लैन के अंदर क्यों नहीं आता है। जिस पर रूबी बोलती है, यह बात इस जगह पर बिल्कुल सच है क्योंकि उसने मेरे साथ इस जगह पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मुझे इस जगह पर सुरक्षित पहुंचाया है। लेकिन जब सेलेस्टियल क्लैन में प्रवेश करने की बात आई तब वो इस जगह से यह बोलकर चला गया कि वो बाद में आएगा। इस बात को सुनने के बाद ये ओल्ड लेडी बोलती है, ये लड़का तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि उसने यहाँ पर तुम्हारी मदद भी की और उसके बदले में तुमसे उसने कुछ भी नहीं मांगा, ये तो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था। इसके बाद ये आदमी यहाँ पर रूबी को बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर डेस्टिनी एंजल को अपने साथ ले आया है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ पर डेस्टिनी स्टोन के साथ पूरी तरह से कल्टीवेट करने की कोशिश करो। इस बात को सुनने के बाद रूबी भी यहाँ पर हाँ बोलती है और वो इस जगह से जाने लगती है। इसके बाद ये ओल्ड लेडी यहाँ पर ये आदमी को बोलता है, अभी के लिए तो हम लोगों ने डेस्टिनी को संभाल लिया है, लेकिन आगे हम लोग डेस्टिनी के साथ कैसे निपटेंगे। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बोलता है, हम लोगों को यहाँ पर एक साथ मिलकर रहना होगा, नहीं तो दोबारा से हम लोगों के क्लैन के ऊपर कोई दूसरा आदमी हमला कर देगा। इस बार तो हम लोगों को यहाँ पर इस लड़के ने बचा लिया जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर वॉर किंग को जान से मार डाला। लेकिन अभी भी हम लोगों को इस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता लगाना होगा। लेकिन इस खूनी मैदान में इस कॉर्टस यूसी को यहाँ पर मौत तक ले जाया गया था और ये आदमी यहाँ पर अपने कबीले का एक नेता माना जाता था, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान देना होगा। ये लोग इस जगह पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस ओल्ड लेडी और एलेक्स को एक साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये ओल्ड लेडी एलेक्स को बोल रही होती है, हमारे सेलेस्टियल क्लैन में तुम्हारा इस जगह पर स्वागत है। लेकिन एलेक्स यहाँ पर इसकी बातों का रिप्लाई देते हुए बोलता है, क्या मैं इस जगह से जा सकता हूँ। जिस पर ये लेडी बोलती है, हम लोगों के सेलेस्टियल क्लैन में तुम अभी अभी आए हो, तुम इतनी जल्दी इस जगह से कैसे जा सकते हो, हम लोगों को यहाँ पर मेहमान नवाजी का मौका तो दो। और वो ये बोलकर इस जगह पर आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी एलेक्स यहाँ पर रुककर अपने मन में सोचता है, मुझे कुछ भी कर इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो इन लोगों को यहाँ पर मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर इस ओल्ड लेडी के पास आ जाता है और वो बोलता
बोलता है। मुझे नहीं पता कि सेलेस्टियल ग्रहण अपने मेहमान लोगों का स्वागत इस जगह पर कैसे करता है। इस चीज को सुनने के बाद ये ओल्ड लेडी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हंसी है और वो एलेक्स को एक तरफ देखने के लिए बोलती है और वो बोलती है इस जगह पर बाहरी लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और हम लोगों को इस जगह को दिखाया जाता है जो कि दिखने में इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और इस जगह पर सभी लोग अपने पावर को चेक किया करते थे। लेकिन तभी हम लोगों को इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी को दिखाया जाता है जो कि आप लोग स्क्रीन में इस जगह पर देख ही सकते हो। और इस चीज को यहाँ पर ये ओल्ड लेडी और एलेक्स दूर से देख रहे होते हैं। तभी ये दोनों अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाते हैं और इस जगह पर आ जाते हैं। इस चीज को देखकर ये दोनों लड़की यहाँ पर इस ओल्ड लेडी के पास आ जाती है और इसे ग्रीट कर यहाँ पर बोलती है दादी जी आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं। जिस पर ये ओल्ड लेडी यहाँ पर एलेक्स का इंट्रो कराते हुए बोलती है इसी ने यहाँ पर रूबी को बचाया है और एलेक्स का इंट्रो भी इन दोनों लड़कियों के साथ करवा देता है। और ये ओल्ड लेडी बोलती है यहाँ पर ये तीनों हमारे सेलेस्टियल क्लैन की तीन सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाओं में से एक है और ये इन्हीं लोगों ने हमारे सेलेस्टियल क्लैन के गौरव को बढ़ाया है और तुमने जिस सेलेस्टियल स्टोन को बचाया है वो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं और एलेक्स तुम इस जगह पर चाहो तो इन दोनों में से तुम किसी के साथ भी शादी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर हम लोगों के क्लैन के इस कॉम्पिटिशन में तुम्हें हिस्सा लेने की इजाजत देती हूँ। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स यहाँ पर बोलता है मैं यहाँ पर सिर्फ अपने पावर को चेक करना चाहता हूँ, लेकिन रही बात इन लोगों से शादी करने की तो मुझे इन लोगों में से किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। और एलेक्स बोलता है अगर मैंने यहाँ पर इस पत्थर को उठा लिया तो क्या ये दोनों लड़कियों को मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये हरे बालों वाली लड़की जगह पर चीते हुए बोलती है तुम ये यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो, तुम इस जगह पर मासूम दिखने का नाटक कर रहे हो लेकिन तुम इस जगह पर मासूम नहीं हो। इस बात को सुनने के बाद ये रेड बालों वाली लड़की भी यहाँ पर एलेक्स को बोलती है तुम इस जगह पर ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो कि तुम हम दोनों को एक साथ ले जाओगे, क्या तुम्हें पता नहीं है इस जगह से कोई भी गायब हो जाता है तो वो दोबारा से कभी भी नहीं मिलता है। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स इस जगह पर डरते हुए बोलता है तुम लोगों से शादी करने से पहले ही मुझे तुम लोग इस जगह पर इतना ज्यादा क्यों डरा रही हो, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ इस जगह पर एक शर्त लगाना चाहता हूँ। और वो ये बोलकर बोलता है अगर मैं इस चीज को इस जगह पर उठा नहीं पाता हूँ तो मैं इस जगह से चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन मैं इस टेस्ट को पास कर जाता हूँ तो मैं तुम लोगों को भी इस जगह से ले जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों लड़की भी इस बात से एग्री कर जाती है और वो बोलती है यह बस इस जगह पर एक शर्त है। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स यहाँ पर प्रूफ के तौर पर इस ओल्ड लेडी को यहाँ पर सब बातों को सुनने और देखने के बाद डिसीजन देने का फैसला छोड़ देता है और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर इस स्टोन की तरफ जाने लगता है और वो फाइनली यहाँ पर इस स्टोन के पास पहुंच भी जाता है। इस चीज को देखकर ये लड़की लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।